दोस्तों हैरान हो जाओगे आप ये जान करके कि 10 में से 9 इन्वेस्टर्स इंडिया में बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाद में उनमें से अधिकतर लोग घाटा खाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तो उनमें से नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप तो मेरे मित्र हो और जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो कभी आंखें मूंद करके इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों आज आपके लिए मैं एक ऐसा मेथड, ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूँ जिससे कि आप बिना इक्विटी मार्केट में टाइम खपाए हुए, बिना टाइम और मेहनत लगाए हुए आराम से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और दोस्तों उसका नाम आपने बहुत सुना होगा लेकिन काम आपने नहीं सुना होगा कि कैसे करता है। उसका नाम है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स। इतना पॉपुलर है ये वर्ड, हर व्यक्ति आपको म्यूचुअल फंड ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो यही कहता रहता होगा। लेकिन सचमुच में कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, इसमें कोई नहीं बताता। और दोस्तों खुशी की बात यह है, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा सागर नॉमिक्स पे आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल वीडियो लाया हूँ म्यूचुअल फंड्स को ढंग से समझ के इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सागर नॉमिक्स में आज का वीडियो। प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ 3% का इंटरेस्ट हमें दे रहा है उसको किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां से हमें उससे ट्रिपल, 4 टाइम्स या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब ये करना चाहते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर टाइम के अभाव में ये चीज संभव नहीं हो पाती। तो दोस्तों ये समस्या अगर आपके साथ में है तो इस वीडियो को गेम चेंजर वीडियो मानिए, क्योंकि इतनी ईमानदारी से, इतनी रिसर्च से और इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको शायद ही कोई बताए जितना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ मुझ में कमियां अवश्य होंगी क्योंकि दोस्तों मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो हो सकता है कुछ गलतियां मेरे से भी हो, पर मेरा इंटेंशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा। और कभी भी आपको गलत राय नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक कंफ्यूजिंग एक्टिविटी है और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं चाहे SIP से चाहे लमसम में, लेकिन आप अगर उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो इस वीडियो के एक एक सेकंड को ध्यान से देखिएगा और इसके बाद आने वाले सारे वीडियोस देखिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स पर मैं पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको बात करने की या कहीं कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस म्यूचुअल फंड में खुद अपनी रिसर्च करके ले पाएंगे और अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पावरफुल टॉपिक, सीधा चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और देखते हैं म्यूचुअल फंड की दुनिया की है कैसी, काम कैसे करती है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों ये है, ये जो डिब्बा आप देख रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे सिक्के हैं, ये डिब्बा है म्यूचुअल फंड्स का। और अगर ध्यान से आप देखोगे तो इन कॉइन्स में आपको एक रेड से कलर का कॉइन दिख रहा होगा, एक गोल्डन से कलर का दिख रहा होगा और सब अलग अलग तरीके के कॉइन्स सिक्के इसमें भरे हुए हैं। और वही टेक्निक वही चीज काम करती है म्यूचुअल फंड्स में। पहले जाने कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है और काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझे कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। होता ये है, इट्स अ कलेक्टिव पूल ऑफ मनी। बहुत सारे लोग जो कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, जो ये नहीं जानते कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें और कौन से सही शेयर्स को पहचान के उसमें इन्वेस्ट करें, उसके लिए अगर वो कैपेबल नहीं है, वो ट्रेनिंग उनको नहीं मिली हुई है, नॉलेज नहीं है या फिर उनके पास में टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक डॉक्टर है जो सुबह से ऑपरेशन करता है और शाम तक ऑपरेशन करता है और बहुत पैसा है उनके पास में, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में ऐसे लोगों का एक सॉल्यूशन दिया गया कि कलेक्टिव पूल ऑफ मनी बनाया गया और ये कहा गया कि जिनको नॉलेज नहीं है या जिनको स्किल नहीं है या जिनके पास टाइम नहीं है, तीनों ही केसेस में वो सिर्फ अपना पैसा एक पूल में डाल सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ा, मान लीजिए कि एक बड़ा
बैग है जिसमें अपना अपना पैसा डालते जाओ। और इस तरह से जब सबने पैसा डाल दिया दोस्तों, तो उसके बाद में पूरे पैसे को मैनेज करने के लिए उसमें एक फंड मैनेजर को हायर किया गया और उसे ये कहा गया कि आप इन्वेस्टमेंट करो इस पैसे को और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दो, और जितना प्रॉफिट आप दोगे उसका 1% आपको हम कमीशन के तौर पे दे देंगे। ये 1 हो सकता है, 2% हो सकता है, बोनस बेस्ड हो सकता है, कई तरीके हो सकते हैं, बट पॉइंट यही है कि यहाँ पर जो पूल ऑफ पीपल है वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है उसको हम एक्टिवली खुद अपने लेवल पे डिसाइड करके सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट को हायर करो और सारा पैसा उसको दो और उसको ये कहो कि भैया तुम मेरे लिए, हम सबके लिए प्रॉफिट कमाओ, इसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, आप गोल्ड में करो, डेट फंड्स में करो, कहीं भी डालो, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट सेफ तरीके से आप देते रहो। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब सबका, फंड मतलब पैसा, सबका पैसा। तो आज मान लीजिए मैंने सपोज करिए मैंने 100 रुपये मैंने डाले, आपने 100 रुपये डाले, किसी ने 50 रुपये डाले, किसी ने 200 रुपये डाले, किसी ने 1,000 रुपये डाले, ऐसे करके, और बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। वो पैसा ऐसे कैसे उठा के फंड मैनेजर को दिया, और फंड मैनेजर ने उस पैसे पे अपनी रिसर्च करके, और 20% उसने मान लीजिए डेट फंड्स में डाल दिया, 10% लिक्विड म्यूचुअल फंड, लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डाला, 50% उसने लार्ज कैप कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनीज होती है उनके इक्विटी में इन्वेस्ट किया, कुछ उसने और जो जो इंटरनेशनल कोई कमोडिटीज है उसमें डाला, मतलब कमोडिटी का मतलब वो वाली कमोडिटी नहीं, पर कोई भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चाहे लोन बेस्ड हो, डेट के हो, इक्विटी के हो, उन सब में उसने पोर्टफोलियो बनाया और उसमें सबका पैसा इन्वेस्ट किया। और अब उस पोर्टफोलियो को वो रेगुलरली मॉनिटर करता है और उसको चेंज करता है ताकि कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन सबका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, क्योंकि जब उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो उसको भी बोनस मिलेगा। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है आसान भाषा में म्यूचुअल फंड की। अब बात करते हैं हम कि म्यूचुअल फंड जो है वो काम कैसे करते हैं और उनसे हमें बेनिफिट क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या म्यूचुअल फंड काम करते हैं, ये तो जो मैंने अभी बताया हूं तो आपने एक बार नटशेल में समझ लिया कि एक बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया गया, एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया और उसके द्वारा जो भी इन्वेस्ट करके जो भी रिटर्न कमाया गया, फंड की वैल्यू बढ़ती रही, उस बीच में कुछ कंपनीज ने डिविडेंड भी देते रहे, वो डिविडेंड भी इन्वेस्टर्स तक पहुंच गया, साथ में वो डाइवर्सिफाई हो गया जिससे कि रिस्क कम हो गई। तो ऐसा रिस्क इसलिए कम हो गई दोस्तों क्योंकि मान लीजिए जो फंड मैनेजर है उसने अपने कुछ स्टॉक उसने एफएमसीजी के खरीदे, कुछ उसने मान लीजिए सीमेंट के खरीदे, कुछ उसने फार्मा कंपनीज के खरीदे। तो अगर फार्मा कंपनीज नहीं चल रही तो हो सकता है कि आपके सीमेंट चल जाए, सीमेंट अगर नहीं चल रही तो हो सकता है स्टील चल जाए, स्टील नहीं चल रहा तो हो सकता है कि आपके आईटी फर्म्स चल जाए। तो इस तरह से आपका जो पैसा है उसकी रिस्क कम हो गई। वो कहते हैं ना कि सारे अंडे ना एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर बास्केट गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो फंड मैनेजर क्या करता है, जब पोर्टफोलियो बनाएगा तो वो सारे अंडे अलग अलग बास्केट में रखेगा ताकि आपको अगर नुकसान हो तो थोड़ा हो, सारा पैसा ना डूबे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि इन्वेस्ट करें ही क्यों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की वजह ही क्या है। अब दोस्तों अलग अलग जो कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड की वो तो आपको पता नहीं क्या क्या वजह बताएगी, क्यों, क्योंकि उनके खुद के स्वार्थ, खुद के पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं। कई जिसे मिस सेलिंग कहते हैं वो भी कई जगह इंश्योरेंस में खासतौर पर होती है और म्यूचुअल फंड में भी कई जगह देखी गई है कि बच्चे की शादी कर लो, आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब करने के लिए वो आपको कई तरीके के लालच देंगे, टीवी पर ऐसे इमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स दिखाएंगे, पर दोस्तों आपको उस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। आप बस मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे टॉर्च लेके अंधेरे में चलते हैं ना वैसे आपको उजाले में पूरा रास्ता दिखाता हुआ, एक एक चीज समझाता हुआ लेके जाऊंगा। इसलिए आप अगर मेरे साथ में बने हुए हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप बाजार के जो घोटाले, जो धोखेबाजी, जो लॉसेस, जो चालबाजियां होती है उन सब से बच जाएंगे अगर आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो। और ऐसी आज तो म्यूचुअल फंड का ये पहला वीडियो है,
आने वाले दिनों में मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस और लेके आने वाला हूँ। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले वीडियो रोकिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको रिलीज होते ही मिल जाए। क्योंकि आज म्यूचुअल फंड का पहला चैप्टर आप शुरुआत से सीखोगे तो अगला चैप्टर कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को ऑन ये करना ना भूलें। अब बात करते हैं सीधे वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और हम ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में आखिर आपको इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए, क्या ये सबके लिए है, क्या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका आंसर जानते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें आपके लिए बना करके रखे हुए हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो को इससे क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है, डाइवर्सिफाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो ये है कि मान लीजिए आज आपके पास में 100 रुपीज है और ये 100 रुपीज आपने उठा करके सपोज करिए पूरे के पूरे किस में डाल दिए, अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे इसमें डाल दी, क्यों, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रुप के शेयर्स बढ़ रहे हैं, मार्केट में बहुत पॉजिटिव न्यूज है, पता नहीं ब्ला 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 क्या क्या। 3 दिन तक ये शेयर मान लीजिए चढ़ता है और आपका पैसा हो जाता है 120 रुपये। उसके बाद में कोई हिडनबर्ग टाइप की कोई रिपोर्ट आती है और आपका पैसा सीधा अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरते हैं और आपका पैसा हो जाता है 30 रुपीज। ऐसा हो सकता है क्योंकि पास्ट में कई कंपनी के साथ ऐसा हुआ है। तो क्या होगा, आपने जो इन्वेस्ट किया वो सारा का सारा पैसा एक ही बार में घाटे में चला जाएगा। तो दोस्तों एक आम इन्वेस्टर के लिए मेहनत की गाड़ी कमाई जो है वो इस तरह से अगर वेस्ट हो तो उसका जी बहुत दुखेगा। भाई मैंने मेहनत से पैसा कमाया, आपने मेहनत से पैसा कमाया, ऐसा तो नहीं है ना कि आप घर पे बैठे हो, पेड़ घर के पीछे एक पेड़ लगा हुआ है और वो गए और बस इसे थोड़ा सा पैसा तोड़ा जेब में रखा और बाजार में से सामान खरीद लिया। मेरे घर में तो नहीं है, आपके में है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना और मैं भी आपके घर आऊंगा, ये भी जरूर आप मुझे बताना कि कब और कैसे आना है। और अगर नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, बिल्कुल मिस नहीं करना। आपका भाई हो, आपका शुभचिंतक हो, वेल विशर हो, इसलिए कह रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि डाइवर्सिफाई का मतलब यहाँ क्या है। अब म्यूचुअल फंड में दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड को 100 रुपए दिए, ऐसे ही मान लीजिए म्यूचुअल फंड को 100 लोगों ने 100 रुपए दिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं। तो म्यूचुअल फंड के पास कितने हुए दोस्तों, इसके पास में हुए 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए में ये फंड मैनेजर क्या करता है, इसको उठा करके मान लीजिए 3,000 रुपीज जो है ना उसको लगाता है ये आईटी इंडस्ट्री में के शेयर्स में। मान लीजिए कि 2,000 ये लगाता है सपोज FMCG के शेयर्स में से, कोलगेट पामोलिव हो गया, पतंजलि हो गया, इस तरीके का। उसके बाद में जो बचे हुए हैं इसमें से मान लीजिए 2,500 रुपीज जो है ये स्पेंड करता है किसी और इंडस्ट्री में, मान लीजिए कि ये हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल्स में करता है। उसके बाद में मान लीजिए कि ये हो गया आपके 5,500-7,500 रुपये। उसके बाद मान लीजिए कि 2,000 रुपये ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर डेट फंड्स में डालता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और बचे हुए जो 500 रुपये हैं मान लीजिए ये लिक्विड फंड्स में या फिर मनी मार्केट शॉर्ट टर्म जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें डालता है। तो दोस्तों ये हो गया इसका पूरा का पूरा क्या, ये हो गया इसका पोर्टफोलियो। तो जब पोर्टफोलियो में बहुत सारी सिक्योरिटीज बढ़ जाती है तो रिस्क क्या हो जाती है दोस्तों, रिस्क कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये नहीं चला तो ये चला, ये नहीं चला तो ये चला, ये नहीं चला तो ये चला, इस तरह से आपका पैसा सडनली बहुत बुरी तरह से डूब जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आपका पैसा अलग अलग बास्केट में जा चुका है और उसका डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। दैट इज रीजन नंबर 1 कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इसलिए लगाना चाहिए। इसकी एक खास बात ये भी है दोस्तों कि अगर आप इतना डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे तो छोटा सा अमाउंट की वजह से आप कर नहीं पाएंगे। कैसे, कि मान लीजिए आप सपोज करिए MRF कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं, आप टायर इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, तो दोस्तों MRF का शेयर ही 1,00,000 रुपए के आसपास पड़ता है। तो 1,00,000 रुपए के आसपास का अगर आपने एक शेयर लिया और अब आप चाहते हो कि ऐसे आप स्टील में भी लें, आप इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रिकल्स में भी लें, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज में भी लें, तो दोस्तों आपको 3-4 करोड़ रुपए तो कम से कम चाहिएगा सभी तरीके की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई तब किया जा सकता है जबकि बहुत सारा पैसा हो,
और क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास में 200 करोड़ 300 करोड़ या उससे ज्यादा का असेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो फंड मैनेजर के लिए इजी होता है कि वो जहां चाहे उस पैसे को अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। तो दैट इज पॉइंट नंबर वन। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग और बात करते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है जिसकी वजह से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों सेकेंड जो पॉइंट है ना वो है आपका दोस्तों थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, हल्का सा टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, हम यहीं देख लेते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों वो है कि वाई टू इन्वेस्ट ओन विश टू इन्वेस्ट ओनली स्मॉल अमाउंट्स। तो जाहिर सी बात है कि आप मान लीजिए, सपोज करिए, जरूरी नहीं है एक बार में आपको 25-30 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए लगाने हैं। आप चाहें तो 500 रुपए से भी पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड्स में। तो छोटा छोटा पैसा लगाएंगे, मार्केट को समझेंगे और फिर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। फिर धीरे धीरे ग्रो करते रहिए अमाउंट को, हर साल 10% 20%, जितनी आपकी सैलरी ग्रो होती है उसके हिसाब से एक फिक्स पैटर्न बना लीजिए कि आज मैं 500 रुपए डाल रहा हूँ इस म्यूचुअल फंड में, अगले साल से मैं इसमें 20% इंक्रीज करूंगा तो मेरी अगले साल SIP 550 की हो जाएगी। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास में बहुत सारा पैसा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि वॉन्ट टू ग्रो देयर वेल्थ बट डू नॉट हैव द इंक्लिनेशन और टाइम टू रिसर्च द स्टॉक मार्केट। इसका अर्थ ये हुआ कि आप चाहते तो हैं और कि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन आपके पास में इतना टाइम और इतना पैसा और इतना एनर्जी, इतनी स्किल और इतनी एजुकेशन नहीं है कि आप रिसर्च करके और इन्वेस्ट कर सकें। तो ये रीजन नंबर हो गया नेक्स्ट। अब उसके बाद में रीजन आता है दोस्तों कि आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही नहीं है शेयर मार्केट का, जिससे कि आप उस रिस्क को लेना नहीं चाहते। तो दोस्तों ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो पॉइंट है आपका कि म्यूचुअल फंड्स में सबसे बड़ी बात यह भी है कि हमें और क्यों कौन कौन से रीजंस हैं उनको समराइज करके देखें और एक्चुअली ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं वो हम करेंगे दोस्तों कहां पर, जब हम एक्टिवली स्क्रीन्स पे जाकर के और वेबसाइट्स पे जाकर के स्क्रीन करेंगे म्यूचुअल फंड्स को, वो आने वाले दिनों में आपको दिखने में मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को ही कवर कर रहे हैं। अब बात यह है कि अगर आपको क्यों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके कुछ अगर और कारण आप जानना चाहते हो तो इसमें से एक है कि आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं आपके, मान लीजिए मैरिज है, चिल्ड्रन है, उनकी एजुकेशन है या फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग है आपकी, ये सब गोल्स को अचीव करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए, ध्यान से देखिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, वैसे नहीं करना चाहिए जैसा टीवी पर या न्यूज चैनल में ये दिखाते हैं कि ऐसे एक लेडी है उसने कहा मेरे तो हस्बैंड नहीं रहे और मुझे फलानी कंपनी ने बहुत पूरी जिंदगी भर का सहारा दे दिया, या कोई हॉलीडे बना रहा है US में, वर्ल्ड टूर पे जा रहा है और वो म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस के पैसे से कर रहा है। दोस्तों ये सब ये मार्केटिंग गिमिक्स है, आप उस चक्रों में मत पड़िए, अपनी अक्कल लगाइए, अपना ध्यान लगाइए। मैं सच बताऊं, इनका एक सीक्रेट बताऊं आपको कि ये जो काम कर रहे हैं, जो एड में ना, कभी ये नहीं बताएंगे आपको कि उस म्यूचुअल फंड पे एक्सपेंस रेशियो कितना दे रहे हैं आपसे। मतलब कि वही म्यूचुअल फंड वही इंडेक्स को ट्रैक करते हुए आपसे चार्ज करेगा, एक म्यूचुअल फंड करेगा 1% चार्ज और दूसरा म्यूचुअल फंड जिसका टीवी पर रोज ऐड आ रहा है, जिसका यूट्यूब पर रोज ऐड आ रहा है, वो चार्ज करेगा 3%, क्योंकि 2% ना वो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट आपकी जेब से निकालेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जरा कमेंट करके बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझा आप इससे दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी रिटर्न मिलने वाला है उसमें से 2% वो एक्स्ट्रा लेके चला जाएगा, आपको फायदा हो चाहे नहीं हो उसके लिए कहेगा कि मार्केट्स म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कि अगर मान लीजिए मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम क्या करें साहब, आपको तो इतना ही मिलना है। लेकिन जब वो अपना एक्सपेंस रेशियो निकालेगा उसमें से, तब कभी नहीं कहेगा
कि मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो वो मकान के किराए की जैसे हर महीने या हर साल उसको लेना ही लेना है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ना, उनमें ध्यान ध्यान देने के बजाय अपनी अक्ल लगाइए और सही तरीके से म्यूचुअल फंड्स को चूज कीजिए, जिसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा अगर आप मेरा उत्साह बढ़ाएंगे तो। दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके रिसर्च बेस्ड, सच्चा, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको लाके देता हूँ, जिससे आपकी समझ बढ़े और आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। और अगर ऐसा करने में मुझे मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो दोस्तों आपसे सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा हौसला बढ़ाइए, उसके लिए इस वीडियो को लाइक करिए और इसको अधिकतर लोगों को, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स को, सब लोगों को आप शेयर करिए इसे ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, ऑन टेलीग्राम, ऑन ट्विटर या जहाँ भी मौका मिले। क्योंकि दोस्तों आप जब ऐसा करेंगे तो मुझे अगला वीडियो बनाने में, मेरे मोटिवेशन में भी आपको ज़्यादा महसूस होगा। क्योंकि अदरवाइज तो थोड़े दिनों बाद मैं सोचूंगा कि क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं किसी के लिए जिनको परवाह ही नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेरा हौसला बढ़ाएं। चलिए वापस पॉइंट पर आते हैं। और हाँ, एक और अच्छी बात बता दूंगा आपको कि आप घर बैठे हुए इन्वेस्टमेंट की पूरी बारीकियाँ सीख सकते हैं। उसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो उसे जरूर प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इक्विटी रिसर्च, वैल्यू इन्वेस्टिंग और भी तमाम टॉपिक्स की बहुत गहराई से मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो डोंट मिस दैट एंड जस्ट सारे वीडियोज देखिए आप। अब वापस पॉइंट पर आते हैं, वो ये है कि दोस्तों ये अगर हम एडवर्टाइजमेंट्स को छोड़ दें तो हम ये माने कि हमें फिर भी पैसा तो चाहिए आने वाले टाइम में। उसके लिए हमारे पास SIP कैलकुलेटर होता है, हमें पता होता है कि कितने टाइम बाद हमें कितना पैसा चाहिए। उसके हिसाब से मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग बता दूंगा कि आपको किस टाइप के फंड में कितना पैसा कितने कितने टाइम पर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी टेक्निक्स भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हाँ हमें ऐसा वीडियो चाहिए, तो आप टॉपिक लिखेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है, वो ये है कि आप चाहते हैं स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग ग्रेजुअली। कहते हैं कि कोई व्यक्ति छाया में, पेड़ की छाया में, ध्यान से सुनना हेलो, कोई व्यक्ति पेड़ की छाया में आज इसलिए बैठा है क्योंकि आज से 20 साल पहले किसी भले आदमी ने एक बीज बोया था जो आज पेड़ बन चुका है। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड की समरी है, या मैं कहूंगा वेल्थ क्रिएशन की समरी है, कि आज अगर आप छोटा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करने लग गया है और ये बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाएगा, जिससे कि आपकी आने वाली जनरेशन पूरी तरह से टेंशन फ्री हो पाएंगी पैसे को लेकर। तो दोस्तों इसलिए आपको छोटा शुरू करना चाहिए और बाद में इसको बढ़ाते रहना चाहिए। अब तीसरा रीजन है दोस्तों, वो है कि आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने हैं। तो दोस्तों ये वजह है कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद में कि इससे आगे, अब म्यूचुअल फंड्स को दोस्तों, एक सेकेंड ना, तो आज हमने यहां तक तो डिस्कस कर लिया है। मैंने आपके लिए पूरी PPTs बनाई है रात को बैठ करके, और उसके हिसाब से आने वाले दिनों में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स की, जो ये जो हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी लोग नहीं ले पाते हैं वो आपको ही देने वाला हूँ मैं। सो दोस्तों ये एक स्लाइड ये अपनी कवर हो चुकी है, ये हमने कर ली, ये रह गई। हाँ, इसको अपन देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को आखिर आपको चाहिए क्यों। तो उसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से क्या है दोस्तों, कि एक तो ये है फ्रीडम फ्रॉम रिसर्च। अब आप चाहते हो कि सारी रिसर्च करने की जगह पर और आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, यानी कि रिसर्च करने की आपकी हेडेक खत्म हो जाए, इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है और मैं समझता हूँ कि आपको सबको पता होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताता हूँ।
कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है? आज आपने 100 रुपये मार्केट में लगाए, मान लीजिए अगले महीने उसमें 10% का रिटर्न मिला, तो अब ये 10 रुपये आपने बाहर नहीं निकाले हैं, तो क्या हुआ, अगली बार आपके पास में 100 रुपये प्लस 10 रुपये, यानी कि आपका 110 रुपये अमाउंट हो गया। मान लीजिए इस पर फिर से 10% का रिटर्न मिलता है, तो अब आपने 10% फिर से बाहर नहीं निकाले, तो अब आपका क्या होगा, ये हो जाएगा करीब करीब 121 रुपये। क्यों? क्योंकि 110 का आप जब 10% निकालेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे तो 11 रुपये आया। 110 रुपये में ऐड करोगे 11 रुपये, तो आपके पास में आ जाएगा 121। तो अगर आप ये पैसा बाहर निकाल लेते हैं तो आपको मिलते हैं इधर से 10% और इधर से 10%, यानी 100 रुपये पे फर्स्ट मंथ में 20, अगले मंथ में सॉरी फर्स्ट मंथ में 10, अगले मंथ में 10, तो आपको मिलते हैं 120 रुपीज। लेकिन क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है इसलिए आपको मिलेंगे 121, और आपको ये बहुत छोटा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि जब 121 पे ऐसे 20 बार 25 बार कैलकुलेट होगा तो ये इस अमाउंट में और इस अमाउंट में बड़ा दिन का डिफरेंस हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये दोस्तों अगर ऐसे समझो कि यदि मैं ले लूं, ये एक ग्राफ है, मान लीजिए कि ये है आपकी लाइन जो है शो कर रही है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसमें आप 10-10% हर महीने कमा रहे हो और उसको अलग अलग निकाले जा रहे हो या फिर उसमें ही ऐड कर रहे हो। दूसरा है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग चलती है इस तरह से, ऐसे, या फिर मैं कहूंगा ऐसे, डिपेंडिंग ऑन रेट। तो ये कंपाउंडिंग है, तो आपका पैसा बहुत तेजी से कम टाइम में ग्रो करेगा। जैसे इस लाइन पर अगर हम देखें कि मान लीजिए 100 रुपये से शुरू किया आपने और सपोज करिए 200 रुपये है, तो 200 रुपये में, 200 रुपये पहुंचने में मान लीजिए यहाँ लगा 1 महीना और यहाँ लगा 2 महीने और यहाँ लगा 3 महीना, यहाँ लगा 4 महीना फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखिए सिंपल तरीके से आप पहुंचेंगे तो 4 महीने में जितना पैसा मिल रहा है यहाँ पर पहले या दूसरे महीने में ही आप यहाँ पहुंच गए। तो ये है दोस्तों ताकत किस चीज की, जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये बहुत पावरफुल है। और लास्ट चीज है जिसे हम कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब दोस्तों बहुत सिंपल है और बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है ये भी। मैं आपको जरा एक बार बता दूं कि काम कैसे करती है। ये भी जबरदस्त है दोस्तों, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए आज आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू 100 रुपये लगाए और मान लीजिए कि उसमें आपकी हर एक जो यूनिट है म्यूचुअल फंड की वो 10 रुपये की है, ये फर्स्ट मंथ ही बात कर रहे हैं हम, तो आपके पास में कितनी यूनिट्स आ गई, 10 यूनिट्स, ठीक है दोस्त। मैं जरा बताने की कोशिश करता हूँ कि आपने 100 रुपीज लगाए, उसमें 10 रुपये की एक यूनिट है, तो आपके पास में टोटल यूनिट्स कितनी आ गई, 10 10 यूनिट्स। नेक्स्ट मंथ में आपने फिर से 100 रुपीज लगाए और इस बार मान लीजिए यूनिट की जो प्राइस है वो लगी 5 रुपए, कि शेयर मार्केट गिर गया और स्टॉक की वैल्यू गिरने से 5 रुपए की यूनिट हो गई है, तो अब आपको कितनी यूनिट्स मिलेगी दोस्तों, 20, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 5, यानी आपकी यूनिट्स बढ़ गई है। ध्यान दीजिए, जब पैसा बढ़ रहा है यूनिट का तब भी फायदे में हो और जब पैसा घट रहा है तब भी फायदे में हो। कैसे? कि अगर मान लीजिए यूनिट की प्राइस कम हो गई, यानी शेयर मार्केट गिर गया है, यानी प्राइस गिर गई है, तो आपको यूनिट्स की मिलने वाली संख्या ज्यादा हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कि 100 रुपीज आप लगा रहे हैं और अगले महीने मान लीजिए वो 20 रुपीज की आप एक यूनिट हो गई, ठीक है, सो अब आपको यूनिट्स मिलेगी सिर्फ 5, लेकिन दोस्तों ओवरऑल वैल्यू भी तो बढ़ गई है। इस तरह से चलते चलते हर महीने आपको जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये देखोगे कि पहले महीने में आपने 10 यूनिट्स लगाई, दूसरे में आपको 20 यूनिट्स मिल गई और तीसरे में 5 मिल गई। अगर ये प्राइस वेरिएशन नहीं होता तो आपको हर महीने 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि टोटल टोटल 30 यूनिट्स मिलती, लेकिन मार्केट के गिरने की वजह से आपको मिली 10 प्लस 20 30 और 5 35, 35 यूनिट्स। तो दोस्तों आप ये भी तो देखिए कि जिस दिन ये स्टॉक मार्केट या एनएवी ग्रो करेगी उस दिन आपको यहाँ जो 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा मिली है ना, उसका पैसा फ्री में मिलेगा, मतलब बोनस है आपका, ये आपने कमाया है, ये यूनिट्स आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है जिसके लिए आपने पैसा अलग से डाला नहीं है।
सो दोस्तों ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड डेवलप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसको और लंबा करने के लिए बहुत बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत एक्साइटिंग चीज़ें और सीखने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप ज़रूर बने रहें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो और साथ में बेल आइकन को भी ऑन किया हो। मेरे बहुत से दोस्तों बेल आइकन को ऑन ही नहीं करते, तो पता है उनका क्या होता है? उनका मेरे पास में कभी मैसेज आता है, वो कहते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो देखी थी 6 महीने पहले और आज हमें वापस याद आया कि आपकी वीडियो देखनी है, तो हम तो सब भूल गए। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए आप नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन ऑन करके रखिए, ताकि मेरी वीडियो जैसे ही रिलीज हो आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों इसको वीडियो को सबसे ज़्यादा दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, सब जगह पे आप इसको रोटेट करिए, शेयर कीजिए, ताकि अच्छी काम की जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। ये आलतू फालतू ये जोक, ये रील्स, ये शॉर्ट्स, ये खिकी खेखे, ये टाइम पास कर सकती है, लेकिन टाइम पास से दोस्तों आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा सही चीज़ सीख के, सही जगह पर इन्वेस्ट करने से। तो इसके लिए मेरे चैनल पे आप हमेशा आते रहिए, आपको हमेशा अच्छी जानकारी मिलेगी। आपका बहुत टाइम लिया दोस्तों, इसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद। आपका जो भी क्वेश्चन है, कौन से म्यूचुअल फंड में आप सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहेंगे या क्या जानना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके भेजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं दोस्तों, और मेरी जो नीचे वेबसाइट है उस पर sagronomics.com का लिंक मैंने दे रखा है, उस पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। तो आज ही विजिट करिए उसे, और अगले वीडियो में मैं जल्दी ही मिलता हूँ। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ग्रो रिच। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।